Hello and assalamu alaikum to all of my viewers, and if you are new to my channel, welcome to my channel. अगर आप मुझे पिछली सीरीज से फॉलो कर रहे हैं पार्ट वन से, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या कोई अल्टीमेट कंट्री हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए जो हर लिहाज से बेहतर हो, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि अगर आप खुद से कुछ करने के लिए विलिंग नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको रिटर्न्स भी मिले. बट इफ़ यू आर ए विलिंग एंड डेडिकेटेड पर्सन, और अगर आप वो मुल्क को पांच फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर जो कि हमने डिस्कस की पिछली वीडियो में एक कंट्री को चूज़ करते हैं, तो यस देर आर कंट्रीज विच कुड बी अल्टीमेट कंट्री फॉर स्टूडेंट्स. मेरे ख्याल में दो कंट्रीज जो हैं इस टाइम पे बेस्ट हैं, कैनेडा एंड जर्मनी. और उन पांच फैक्टर की बुनियाद के ऊपर जो मुल्क को मैं चूज़ करूँगा, विच इज़ फॉर मी द अल्टीमेट कंट्री फॉर स्टूडेंट्स, इज़ जर्मनी. एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी उन पांचों फैक्टर्स के लिहाज से कैसे एक बेहतरीन चॉइस है स्टूडेंट. लास्ट दो सालों के दौरान मैं यूरोप के बहुत से मुल्कों में घूमा, वहाँ के स्टूडेंट्स की लाइफ को ऑब्ज़र्व किया. इटली में गया, स्पेन गया, बेल्जियम गया, यूके में मैं जाके कुछ दोस्तों से मिला, वहाँ का लाइफस्टाइल देखा. यूएसए में रिलेटिवली मैं काफ़ी लंबा टाइम न्यूयॉर्क में रहा, वहाँ पे ट्यूशन फीसेज कितनी हाई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, उन चीज़ों को क्लोजली ऑब्ज़र्व किया. और जर्मनी में मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ क्योंकि मेरी डिग्री इधर से मुकम्मल हो रही है, तो जर्मनी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ. जो मैंने पाँच फैक्टर्स बयान किए थे जिनको मद्देनज़र रख के आपको एक मुल्क को चूज़ करना चाहिए, मेरे ख्याल से जर्मनी इज द अल्टीमेट चॉइस. हाउ? नंबर वन पे मैंने बात की थी कि आपको वो मुल्क चूज़ करना है जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो. कोई मुल्क में पहला एक जेन्युइन स्टूडेंट का जो होना चाहिए कंसर्न, वही होना चाहिए कि जहाँ से वो डिग्री करेगा क्या वो वेल रिकग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड है कि नहीं. जर्मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल रिनाउंड कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ के इंस्टीट्यूट और जहाँ की डिग्री पूरी दुनिया में मानी जाती है. 12% ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन जर्मनी, 12% आर इंटरनेशनल स्टूडेंट. ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि ये शो करता है कि पूरी दुनिया से US, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों से लोग जर्मनी में पढ़ने आते हैं. उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एजुकेशन फ्री है. कंपेयर अगर करें आप फीसेज, USA में बहुत हाई फीसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया कैनेडा में बहुत हाई फीसेज हैं, यहाँ पर अच्छी एजुकेशन विद नो ट्यूशन फीस है. सो आपको जो पहला फैक्टर है उसके लिहाज से जर्मनी ज़बरदस्त चॉइस है. सेकंड फैक्टर मैंने आपको ये बताया था, कंट्री चाहे कितना ही बेस्ट हो लेकिन अगर वो आपको अननेसेसरीली आपके वीज़ास को रिजेक्ट कर रहा है तो वर्थ नहीं करता कि आप उसके ऊपर अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करें. अमेजिंगली जो जर्मनी की वीज़ा रेशो रही 2017-18 में, सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन मुल्कों के लिए 90% प्लस वीज़ा अप्रूवल रेट रही, विच इज़ वेरी हाई. और उसकी एक खुशकिस्मती की बात यह भी है कि इस मुल्क को अभी तक भी, इन मुल्कों में बहुत कम कंसल्टेंट डील करते हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं जो खुद अपना सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते हैं. इसी वजह से मोस्टली स्टूडेंट जेन्युइन होते हैं और उनके जो वीज़ाज हैं वो अप्रूवल भी हो जाते हैं. जिन स्टूडेंट के वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं उनको चांस दिया जाता है अपील करने का. अगर आप अपील में भी रिजेक्ट होते हैं तो फिर आप जर्मनी के कोर्ट में उस अपील के खिलाफ जा सकते हैं, और अल्टीमेटली जो कोर्ट है वो अलाउ करेगा आपके वीज़ा रिजेक्शन को, अप्रूव करेगा. अगर आपने आपको किसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दिया किसी बुनियाद के ऊपर, या कि एम्बेसी ने आपको किसी वजह के ऊपर रिजेक्ट कर दिया जो कि जेन्युइन वजह नहीं है. सो ये सारी चीज़ों के लिहाज से जर्मनी जो दूसरा फैक्टर है उस पर भी पूरा उतरता है. अच्छा, तीसरा जो बड़ा फैक्टर मैंने बताया था आपको वो ये था कि जब आप अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में आ गए हैं, अब आपकी स्ट्रगल स्टार्ट होनी है वर्क एंड एजुकेशन के दरमियान जो बैलेंस क्रिएट करना है. ये नहीं कि आप यहाँ पर काम में इतना उलझ जाएं कि आप अपनी डिग्री को ही भूल जाएं, और ये नहीं कि अगर आप डिग्री को में इतना उलझ जाएं कि आप काम नहीं करें और अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकें. उस बैलेंस के लिहाज से जर्मनी अल्टीमेट चॉइस है. हाउ? अगर आप कैनेडा में पढ़ रहे हैं
कनाडा की जो मिनिमम वेज है वो प्रोविंस के हिसाब से वेरी करती है, बिटवीन 9 to 13 कैनेडियन डॉलर। जर्मनी की मिनिमम वेज 10 यूरोज है, यूरो इज़ ए हायर करेंसी देन कैनेडियन डॉलर, सो अल्टीमेटली ये उससे ज़्यादा बन जाती है। वहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं कनाडा में या लंदन में या न्यूयॉर्क में या के मेलबर्न में, ये जो जितने मैंने मुल्कों के नाम लिए ये बेहतरीन मुल्क हैं स्टडीज़ के लिहाज से, ये सबसे एक्सपेंसिव जगह हैं रहने के लिए। इन कंपैरिजन जर्मनी इन सबसे चीप है रेजिडेंसी के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से। अगर आपके पास ऑलमोस्ट 600 यूरो तक आप अपने पास अर्न करते हैं तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है सर्वाइव करने के लिए। अगर आप कनाडा में रह रहे हैं तो आप हमेशा यू आर लिविंग ऑन द एज अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। यहाँ पर ट्यूशन फीस का बर्डन आपके ऊपर नहीं है। लेट्स से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज बहुत हाई है, सो अगर आप वहाँ पे ज़्यादा भी अर्न कर रहे हैं तो अगर आप 6 माह के बाद लेट्स से 5 से $10,000 जो है अगर आप यूनिवर्सिटी को दे देते हैं तो वो बात उधर की उधर ही आ जाएगी, क्योंकि इधर तो ट्यूशन फीस नहीं है। 6 माह बाद आपने सिर्फ 200 से 300 यूरो जो है वो यूनिवर्सिटी को देना होता है। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए मिनिमम वेज, काम की अपॉर्चुनिटी के लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऐसी मार्केट नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो ये टूरिस्ट के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है और इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, और ये 4th और 3 बिगेस्ट इकॉनमी के दरमियान है जर्मनी दुनिया की। सो मार्केट बहुत बड़ी है, रिलेटिवली चीप है बाकी मुल्कों की नस्बत। जो मिनिमम वेज है वो कंपेरेटिवली यूके और कनाडा से ज़्यादा है। सो उस लिहाज से देखा जाए तो तीसरे फैक्टर के ऊपर भी ये परफेक्ट चॉइस है। एक चौथी अगर बात की जाए तो मैंने ये कहा था कि जब आपने इतनी स्ट्रगल कर ली, डिग्री की, काम किया, मेहनत की, तो अब वो कंट्री को चाहिए कि आपको अलाउ करे एक रीज़नेबल टाइम कि वहाँ पर रह के आपने जो स्किल अक्वायर की है उसको फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कर सकें। यूके जैसे मुल्क के ऊपर मैं इसलिए वीडियो नहीं कर रहा था कि वो आपको फोर्सफुली डिग्री पूरी करने के बाद 4 मंथ में मुल्क छोड़ने का कहते थे, विच वॉज़ कम्प्लीटली अनफेयर। अभी दोबारा उन्होंने शुरू किया है 2 साल का वीज़ा स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। जर्मनी उन मुल्कों में आता है जो डिग्री पूरी करने के बाद जो जॉब सर्च वीज़ा का टाइम देते हैं विच इज़ वेरी हाई, विच इज़ 18 मंथ इन जर्मनी, लिटल लेस देन फ्यू कंट्रीज, द हाइएस्ट इज़ 2 ईयर्स, बट मोर देन फ्रांस, नॉर्वे और एनी अदर कंट्री जहाँ पे ये रिलेटिवली 6 माह से 1 साल है। सो जर्मनी में 18 मंथ्स आपको दिए जाते हैं जो कि बहुत एक रीज़नेबल टाइम है अपनी जॉब तलाश करने के लिए। सो चौथे फैक्टर के लिहाज से कि आपको एक रीज़नेबल टाइम मिलना चाहिए उस मुल्क में, जर्मनी इज़ अ परफेक्ट जॉब। अब आगे जी पांचवी बात, जब भी मैं किसी बंदे से कहता हूँ कि जर्मनी या कनाडा तो वो जंप मार के कनाडा के ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जी उनको लगता है कि पीआर का जो पाथवे है वो कनाडा पीआर हाथ में पकड़ के बैठा है, और जो ही आपने कनाडा बोली ना उन्होंने कहना है ये पीआर आपकी हो गई। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं अगर आप उनसे बात करें तो वो आपको बताएंगे कि अगर आपने अपनी डिग्री अच्छे से नहीं करनी, अगर फुल टाइम जॉब पर आप नहीं जाते तो आपको पीआर वीआर इस तरह नहीं मिलेगी, आपकी लाइफ उधर ख़राब हो जाएगी। पीआर उसी को मिलेगी जो एक प्रॉपर चैनल से गुजर जाएगा। तो अगर पीआर की बात कर लें, कंपेयर करते हैं जर्मनी को, जो ही आपने फुल टाइम जॉब अक्वायर कर ली जर्मनी में अंदर, यहाँ पे एक इन्होंने टाइम फ्रेम रखा हुआ है कि आप 24 मंथ बाद एलिजिबल हो जाएंगे, 36 मंथ्स के बाद हो जाएंगे अगर आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अगर ब्लू कार्ड लेते हैं फिर 24 मंथ। तो जब आपने जॉब अक्वायर कर ली, आपने जो स्टूडेंट का टाइम भी इधर स्पेंड किया जर्मनी में उसको हाफ काउंट करेंगे, प्लस आपका जॉब का टाइम जब आप फुल टाइम वर्कर बन गए, उसके बाद आपको जर्मनी पीआर दे देता है और 8 साल में आपको जर्मनी का पासपोर्ट भी मिल जाता है जो यूरोप में तेज़ मुल्कों में आता है। अगर इटली, स्पेन वगैरह की भी बात की जाए तो यहाँ पर 10 साल मिनिमम टाइम है। ये एक फैक्टर हो गया जहाँ पर जर्मनी में 3 से 4 वीज़ा कैटेगरीज एग्जिस्ट कर रही हैं। आप जॉब सर्च वीज़ा 6 माह का लेकर जर्मनी आए, फुल टाइम जॉब अक्वायर करें, पीआर के प्रोसेस में चले जाएं, डायरेक्ट वर्क परमिट के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आएँ, यहाँ पर आके उसके लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए बैचलर के, मेरे कुछ रीजन से सियालकोट, वज़ीराबाद, नारोवाल के, जिनका जो था ऐप डेवलपर थे, जो एंड्रॉयड डेवलपर थे,
मास्टर्स में आए, 2 से 3 मंथ उनको जर्मनी आए हुए, उनको फुल टाइम जॉब ऑफर हुई। जर्मनी आपको अलाउ करता है कि आप स्टडीज़ को छोड़ के फुल टाइम जॉब का अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके ऊपर चले जाएं। ब्लू कार्ड का क्राइटेरिया है 42 से 52,000 यूरोस। अगर आप उसको मीट करते हैं तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। ब्लू कार्ड इज़ लाइक आपका पूरे यूरोप का पास, आप कहीं पर भी रह के काम कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर देखा जाए, अल्टीमेट अगर आपको किसी मुल्क का पासपोर्ट चाहिए, PR चाहिए, वहाँ पर रहते हुए काम चाहिए, अच्छी डिग्री चाहिए, देर इज़ नो बेटर ऑप्शन देन जर्मनी। आई होप कि वीडियो देखने के बाद आपको कुछ रहनुमाई मिली हो और कुछ मोटिवेशन मिली हो कि एक अगर आपने अपने लिए ड्रीम कंट्री चूज़ करना है तो आपको किन फैक्टर्स की वजह से उसको चूज़ करना चाहिए, ना कि ब्लाइंडली स्टूडेंट्स ग्रुप में आपने ये पोस्टें पढ़ ली और उसकी बुनियाद पे अगर आपको पूछा जाए हाँ जी कौन सा कंट्री, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, ऐसे नहीं। अपना होमवर्क करें, अपनी सर्च करें और उसके बाद आप देखें कि आपके लिए कौन सा मुल्क बेहतर है। मिलूंगा आपको नई वीडियो में, इसी के ऊपर हम एक तीसरा पार्ट भी करेंगे जिसमें कुछ और मैं फर्दर चीज़ें डिस्कस करूंगा जिसमें आपको हेल्प मिल सकती है कि अगर आप जर्मनी में हैं या कनाडा में हैं या कहीं भी हैं तो आपको अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।